गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 12वें चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए थे, उसमें हमने किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हीरोन के सूत्र द्वारा। जो हमारी 12.2 थी वो हमारे सिलेबस से हट चुकी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हीरोन के सूत्र से। आज हम इसका 13 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपके सिलेबस में क्या है, घन और घनाभ। क्या क्या आपके सिलेबस में इसमें घन और घनाभ। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 6 × भुजा की स्केयर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई और प्लस में ऊंचाई × लंबाई। देखो लंबाई को किससे दर्शाएंगे हम, एल से, लंबाई को स्मॉल एल से, चौड़ाई को स्मॉल बी से और ऊंचाई को स्मॉल एच से। और ऊंचाई को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एच से। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 × LB BH + HL। देखो किस प्रकार से याद रखोगे, LBH पहले, LB फिर BH फिर HL, पहले स्टार्टिंग के दो फिर लास्ट के दो फिर फर्स्ट और लास्ट। अब थर्ड इसमें फॉर्मूला आता है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन भुजा की क्यू। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई LBH। यही है आपके सिलेबस में सिर्फ घन और घनाभ। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं आज हम 13.1 के क्वेश्चन देखते हैं। देखो और इसमें याद रखोगे 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी। तो यहां से 1 सेमी में मीटर कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर। कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर। अगर आपके पास क्षेत्रफल आए तो जो आपको मात्रक दिया है, सेमी दिया है तो सेमी की स्केयर यहाँ क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेमी। मीटर में दिया है तो मीटर की स्केयर यहाँ वर्ग मीटर। आयतन में मीटर में क्वेश्चन दिया तो मीटर की क्यूब या घन मीटर ये लिख सकते। सेमी में दिया है तो सेमी की क्यूब या घन सेमी। मात्रक लगाने इनके जरूरी। अब देखते हैं 13.1 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले इसका क्या बोल रहा है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेमी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। इस डिब्बे को ऊपर से, जैसे कमरे की बात करें ऊपर से कमरे को खुला रखें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, पूरे क्षेत्रफल में से माइनस हो जाएगी। तो देखो डिब्बे का, प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई, प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई स्मॉल एल इक्वल में 1.5 मीटर, चौड़ाई स्मॉल बी इक्वल में 1.25 मीटर, और गहराई यहां उसे क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई एच इक्वल 65 सेमी। अब ये सेमी में दिए, इसको मीटर में बदलते हैं तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, यहां इसे क्या लिख सकते हैं, 0.65 मीटर, यहां इनको किसमें बदल लो, सेमी। अब फर्स्ट इसमें पूछा है उसने डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल,
तो डिब्बे का क्षेत्रफल निकालते हैं, 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब क्या बोलता है, डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है तो माइनस में क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है। अब डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है, अगर कमरे को बोल दें कमरे को ऊपर से खुला रखना है तो लंबाई और चौड़ाई उसकी काउंट नहीं होगी उसमें। ऊपर जैसे छत की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई रहेगी, ऊंचाई नहीं होगी। उसी प्रकार डिब्बे की छत यानी ऊपर कुछ भी नहीं करना है तो उसकी ऊंचाई तो होगी नहीं, लंबाई और चौड़ाई क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो 2 × लंबाई 1.5 × 1.25 प्लस 1.25 × 0.65 प्लस 0.65 × 1.5 माइनस 1.5 × 1.25। सोल्व करते हैं इसको तो 2 × 15 × 5 75 7 अंशिल 15 × 30 और 7 37 तीन अंशिल 15 × 15 और 3 18 1 2 3 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 125 को किससे गुणा करना है, 65 से। 125 जीरो 65 5 × 5 = 25 2 × 5 = 10 और 30 = 40 और 2 = 42 चार अंशिल फिर 5 और 12 यहां पर हो गए हमारे पास 17 और 4 = 21 दो अंशिल फिर 6 और 2 = 8 फिर 0। तो कितनी संख्याएं छोड़ के पॉइंट आ गया, 1 2 3 4 तो कितना आ गया 0.8125। इसका करते हैं 15 × 5 = 75 7 अंशिल 15 × 6 = 90 और 7 = 97 कितनी संख्याएं छोड़ के पॉइंट, 3 संख्याएं तो यहां क्या लगाते हैं 0 माइनस 1.5 का 1.25 से गुणा अभी किया था कितना था 1.875। सोल्व करते हैं 2 × यहां पर 3 संख्याएं हैं यहां पर तो क्या लिख लेते हैं 1.875 0.8125 फिर 0.975 तो यहां पर 5 5 5 10 और 2 12 एक अंशिल फिर यहां पर 7 7 14 1 15 और 1 16 एक अंशिल फिर 8 8 16 और 9 25 और 1 26 दो अंशिल फिर यहां पर ये आ गया 0.213 तो कितना आ गया 3.6625 माइनस 1.875 गुणा कर लेते हैं 2 5 10 कितनी अंशिल 1 2 2 4 और 1 5 फिर 2 6 12 2 6 12 और 1 13 एक अंशिल 2 3 6 और 1 7 माइनस 1.875 तो इसमें से इसको कर लेते हैं माइनस तो कितना आ गया 7.325 इस जीरो को हटा ही दें ये 7.325 1.875 माइनस 5 में से 5 घटाएंगे 0 12 में से 7 घटाएंगे 5 फिर 12 में से 8 घटाएंगे 4 6 में से 1 घटाएंगे 5 तो 5.450 लगानी है तो लगा लो यहां वर्ग मीटर। तो इस डिब्बे के लिए हमें कितनी प्लास्टिक सीट चाहिए, 5.45 वर्ग मीटर इस डिब्बे को बनाने के लिए प्लास्टिक सीट चाहिए। समझ आ गया, उसने बोल दिया था ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है तो ऊपर जैसे छत की भी बात करें तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी उसकी ऊंचाई नहीं होगी तो लंबाई और चौड़ाई क्या कर दो, माइनस। अगर ये बोल दे डिब्बे को ऊपर से खुला नहीं रखना है तो ये माइनस नहीं करोगे, बस इतना ही। नेक्स्ट इसके सेकंड में पूछा है इस सीट का मूल्य क्या होगा, जितनी हमारे पास सीट आई है इस पूरी सीट का मूल्य क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपए, सेकंड
चूंकि एक वर्ग मीटर सीट का मूल्य इक्वल में है 20 रुपए, एक वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो हमारे पास कितने वर्ग मीटर सीट लगी 5.45, तो 5.45 में बोले 4.5, तो 5.45 क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक वर्ड बोले जाता है, तो 5.45 वर्ग मीटर सीट का मूल्य होगा 5.45 इंटू किससे कर देंगे 20, इसके अपॉन में 100, तो ये पॉइंट कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 5 10, 5 का इसमें भाग देते हैं, 5 1 5, फिर 4 में भाग दिया जा रहा है, 2 संख्याएं टाइम 0 5 × 9 45, तो 109 रुपए, तो इस सीट का पूरी का मूल्य कितना होगा 109 रुपए। इस प्रकार से ही क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो देखो कमरे की लंबाई स्मॉल एल इक्वल, कमरे की लंबाई स्मॉल एल इक्वल 5 मीटर, चौड़ाई स्मॉल बी इक्वल 4 मीटर और ऊंचाई स्मॉल एच इक्वल 3 मीटर। आगे क्या बोला है, 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। कमरे की दीवार, ये फॉर्मूला लिखी लो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई, 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई, ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोला है इसमें, कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। कमरे की दीवारें और छत पर सफेदी करानी है, तो कमरे की चारों दीवारों व छत का कुल क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई, छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 × 5 + 4 × 3 + 5 × 4, तो 2 × 9 × 3 + 20, तो 9 × 3 = 2 54 + 20, तो कितना आ गया हमारे पास 74 वर्ग मीटर। तो कितना एरिया है जिसको हमें सफेदी करानी है, तो हमारे पास कितना एरिया है वो 74 वर्ग मीटर। बाकी क्या बोलता है, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, चूंकि एक वर्ग मीटर सफेदी कराने का है, चूंकि एक वर्ग मीटर सफेदी कराने का भी है इक्वल में 7.50 रुपए, 7.50 रुपए, तो 74 वर्ग मीटर सफेदी कराने का भी है 74 × 7.50, इसके बटा में 16 लगाते हैं तो ये पॉइंट कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 5 से काटे तो यहां पर 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 10, फिर 2 से इसको काटते हैं तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 24, फिर 25 × 7 = 175, 25 × 7 = 175, 17 × 5 = 75, 25 × 3 = 75, 5 × 10, फिर 5 × 15 = 75, 15 यहां पर ये हो गए, 2 से इसको काटा तो ये 37 × 74,
15 × 7 = 105, 10 × 15 = 45, 15 × 10 = 55, तो कितना व्यय होगा इस पर 555 रुपए। इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां तक ये क्वेश्चन करोगे सिर्फ आपके गन और ग्लाब ही सिलेबस में, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।